सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा हो गाइस। तो गाइस, आज मैं कुछ अलग टाइप की पिक एडिट करने वाला हूँ, और ये पिक एडिट करने का मतलब क्या है और क्या वजह था, मैंने क्यों एडिट किया है, तो हमारे वीडियो बने रहना, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। और अगर न्यू हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम लेते हुए। तो गाइस, आज मैं कुछ अलग टाइप की पिक एडिट करने वाला हूँ, तो चलते हैं पिक्सार्ट की तरफ और पिक्सार्ट कर लेते हैं ओपन। पिक्सार्ट ओपन करने के बाद प्लस क्या करना है आपको, इस प्लस का यहाँ पर क्लिक करके अपने फोटो में, ऐड फोटो में चले जानी है, अपनी अपनी फाइल में आ जानी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने फाइल में। और फाइल में आ जाने के बाद गाइस, इतना सारी PNG है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको यहाँ से वाइट बैकग्राउंड, यहाँ से कलर यहाँ पर लिखा हुआ है कलर बैकग्राउंड्स, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, और क्या करना है गाइस आपको यहाँ पर, तो गाइस यहाँ पे आपको अपनी फोटो को ऐड करनी है। ठीक है, तो चलते हैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद क्या करना है, अपनी फाइल में जानी है गाइस। तो सारा PNG यहाँ पे मैंने रखा है। ठीक है, तो इसका सारा मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो कुछ अलग टाइप की आज पिक एडिट होने वाली है गाइस, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो अपने फोटो को यहाँ कर लेते हैं ऐड। तो अपने फोटो को यहाँ कर लेते हैं ऐड, कुछ इस प्रकार की फ़ोटो है। तो आपको भी कुछ अलग टाइप की फ़ोटो क्लिक करवा लेनी है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा फोटो को नीचे कर लूँगा, डाउन कर लूँगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का फोटो यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ से कर लेंगे डन। और डन करने के बाद गाइस क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा फोटो को क्रॉप कर लेनी है। तो टूल्स में जाकर यहाँ पे क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी फोटो कर लेनी है क्रॉप। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फोटो कर लेंगे क्रॉप, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। तो गाइस, हमारा जो फोटो क्रॉप हो चुका है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अपनी हेयर स्टाइल जो है पहले ऐड कर लेते हैं अपने फाइल में जाकर। तो सबसे पहले हम हेयर स्टाइल लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद दूसरा पे काम करेंगे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे हमारा जो हेयर स्टाइल है अच्छे तरीके से ऐड हो चुका है, बट थोड़ा थोड़ी इसमें कुछ छूट रही है। तो यहाँ पे इरेज पे क्लिक करके थोड़ा फोटो को जूम करेंगे, बाकी का यहाँ पे इरेज कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार की यहाँ पे इरेज होगी। तो वैसे यहाँ पे हमारा जो हेयर स्टाइल अच्छे तरीके से ऐड हो चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, तो यहाँ पे सारा PNG, यहाँ पे PNG नहीं, कुछ फोटो है, तो यहाँ पे अपने फोटो को ऐड करूँगा। ठीक है, तो चलते अपनी फाइल में। तो ये सब फोटो है। ठीक है, आपको ये फोटो देख के तो पता चली होगा किस टाइप का एडिट होने वाला। तो गाइस, वीडियो पूरा देखते रहना, आप न्यू हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं गाइस, फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो दो फोटो मैंने ऐड किए हैं, और ये फोटो को मैंने यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉप पे क्लिक करके फोटो कर लेंगे क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉप करने में डन कर लेंगे। डन करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड दिखेगा। ठीक है, तो ब्लेंडिंग मोड पे क्लिक करना है, और यहाँ से कर लेनी है स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीन करने के बाद क्या करना है आपको, कुछ इस प्रकार के यहाँ पे सेट कर देनी है। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके सेट कर देनी है, उसके बाद इरेजर पर क्लिक करना है और यहाँ पर इरेज कर देनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लगाना है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद सेकेंड पार्ट को लाएंगे यहाँ पर, और इसको भी जाएंगे ब्लेंडिंग मोड में और कर लेंगे स्क्रीन, और यहाँ पे ऐसे करके लगा देंगे, और इरेजर पे क्लिक करेंगे और बाकी का यहाँ कट कर लेंगे। तो वैसे यहाँ पे कुछ पेज सेट हो गया, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करेंगे, फिर चलते हैं ऐड फोटो में। तो कुछ यहाँ पे फिर से कुछ फोटो है यहाँ पे ऐड करने वाले। तो फर्स्ट टाइम मैंने दो फोटो ऐड किया था, अभी मैं फिर से दो तीन ऐड करने वाला हूँ। तो एक ये हो गया, और एक ये, और एक ये, तो तीन मैंने फोटो ऐड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये वाली फोटो को क्रॉप करनी है। चलते क्रॉप में, क्रॉप में जाने के बाद इसको यहाँ से कर लेते हैं क्रॉप, और यहाँ से करते हैं ब्रांडिंग मोड में, और यहाँ से कर लेंगे स्क्रीन, और स्क्रीन करने के बाद कुछ इस प्रकार की यहाँ पर कर देनी है सेट। ठीक है, और उसको इरेजर पर क्लिक करेंगे, और ये जो लाइनिंग दिख रहा है आपको ये सब हटा देनी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड ऑपोजिट को कम करेंगे, हार्डनेस को कम कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे थोड़ा सा इसको इरेज। तो वैसे यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद क्या करना है आपको, सेकंड पार्ट को ले लेनी है, और ये सेकंड पार्ट जो देख रही है आपको यहाँ से इसको कर लेनी है क्रॉप, और यहाँ से कर लेनी है डन। और डन करने के बाद क्या करना है, ब्लेंडिंग मोड में जाना है और स्क्रीन कर लेनी है। तो कुछ इस प्रकार की आपको यहाँ पर सेट करनी है। इस पिक का मतलब आप समझे होगे गाइस कि क्या मतलब, पिक का मतलब क्या है। अगर आपको समझ में आया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो यहाँ पे सारा मैं सेट हो चुका है, अब आया थर्ड पर्सन पे, तो इसको भी यहाँ पे सेट करेंगे। तो चलते हैं ब्लेंडिंग मोड में, यहाँ से कर लेंगे स्क्रीन, यहाँ से कर लेते हैं स्क्रीन, और यहाँ से स्क्रीन करने के बाद क्या करना है आपको, कुछ इस प्रकार की यहाँ पर कर लेंगे सेट, और यहाँ पर इरेजर पर क्लिक करनी है,
और थोड़ा फोटो को जूम करके यहाँ पे कर लेंगे कट। तो कुछ इस प्रकार की यहाँ पे सेट हुआ गाइस, ठीक है, सॉरी सॉरी। तो गाइस कुछ यहाँ पे सेट हो चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करने गाइस, थोड़ा चलते हैं फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ पे चलते हैं अपनी फाइल में। तो यहाँ पे सारा पीएनजी तो ऐड हो चुका है गाइस, तो यहाँ पे एक पीएनजी यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद चलते हैं क्रॉप में। क्रॉप में जाने के बाद ये वाली को यहाँ पे ऐड करके लगाएंगे। यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है, जाना ब्रांडिंग मोड में। यहाँ से कर लेंगे स्क्रीन, कुछ इस प्रकार के यहाँ पे सेट कर देंगे गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ पे सेट करना है ऐसे। और डेजर पे क्लिक कर लेते हैं, ये जो लाइनिंग दिख रहा है आपको यहाँ से कर लेंगे कट। फिर चलते हैं ओपेसिटी को कम कर लेते हैं, हार्डनेस को कम कर लेते हैं, बाकी अच्छी तरीके से यहाँ पे कट कर लेंगे। और यहाँ से कर लेते हैं डन। तो वह सारा पीएनजी यहाँ पे सेट हो चुका है। तो चलते हैं फिर से ऐड पोर्ट में। दो पीएनजी और मैं ऐड कर लेता हूँ। तो एक पीएनजी है और एक लाइट, ठीक है, और ये एक केव है, ठीक है। तो ये तीन पीएनजी बस लास्ट बचा हुआ है, तो यहाँ से कर लेते हैं सेट पर इसको। तो ऐसे कुछ करना है गाइस आपको। और ये लाइट को यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ चलते हैं ब्लेंडिंग मोड में, और यहाँ से कर लेंगे स्क्रीन, और यहाँ से कर लेंगे हैं सेट। तो गाइस कुछ इस प्रकार का यहाँ सेट हुआ है। और इस पर क्लिक करेंगे, और क्या करेंगे गाइस, आपको यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करना है। एक यहाँ पे कोई क्रॉप कर लेनी है, तो एक मैं यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ। और यहाँ से कर लेना है डन। और यहाँ पे इसको सेट करना है, सॉरी गाइस लाइट हटा देता हूँ, सर पहले ये सेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ सही है कि नहीं गया। तो यहाँ से कर लेते हैं इसको थोड़ा सा हाइट लंबा, और यहाँ इरेजर पे क्लिक करेंगे, हल्का हल्का यहाँ पे थोड़ा सा कट कर लेंगे। तो गाइस देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और लाइट को यहाँ पे लाएंगे, तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे सेट कर देनी है। और यहाँ से कर लेनी है डन। तो ये सारा यहाँ पीएनजी सेट हो चुका है, अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आप कितना बेहतरीन लग रहा है, कुछ मासूम पिक है ये। ये पिक का मतलब क्या है गाइस, कि यहाँ पे जो बंदा है ये सोच रहा है कि भाई जितने गरीब बंदे होते हैं वो कैसे रहते हैं, और कैसे मतलब कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, कैसे अपने पेट को पालने के लिए क्या क्या नहीं करते। ये लड़का जो है मतलब ये फोटो का मतलब ये हुआ कि बंदा सोच रहा है यार क्या कैसे चल रहा है इंडिया में, तो उसके रिलेटेड ये वीडियो बनाया है, फोटो बनाया गया भाई, ठीक है। तो आप भी मुझे बताना कि फ़ोटो कैसा लगा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे चलते हैं थोड़ा ऐड फोटो, यहाँ पे चलते हैं क्या बोलते हैं, आपको ब्यूटी में क्लिक करना है। ब्यूटी में क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे फेस पे क्लिक करना है, ठीक है। और थोड़ा इसको कम कर लेना, और फोटो को जूम कर लेना है, थोड़ा यहाँ पे स्मूथनेस मार देते हैं गाइस, ठीक है। थोड़ी आपको पिक देखने में लगेगी अच्छी। तो वैसे यहाँ पे हमारा काम हो चुका है, यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से थोड़ा कलर सेटिंग करना है, तो फोटो कर लेते हैं यहाँ से सेट, ठीक है। तो चलते हैं ड्रा टूल में, और तीन डॉट पे क्लिक करके फोटो कर लेते हैं सेव, और चलते हैं लाइट रूम की तरफ, ठीक है गाइस। तो गाइस हमारा जो लाइट रूम है ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे अपने फोटो कर लेते हैं ऐड। तो फोटो को ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो अपनी फोटो कर लेते हैं यहाँ से ऐड। तो गाइस हमारा जो फोटो ऐड हो चुका है, यहाँ फोटो कर लेते हैं ओपन। तो गाइस हमारा जो फोटो है लाइट रूम में ओपन हो चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं कलर सेटिंग। तो चलते हैं लाइट पे, और लाइट पे जाने के बाद क्या करना है, लाइट को यहाँ कम कर लेनी है, थोड़ा शैडो को बढ़ा लेनी है, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट बैलेंस को कम कर लेनी है, ठीक है, थोड़ा व्हाइट बैलेंस को बढ़ा देनी है, ठीक है। ब्लैक को यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देनी है। उसके बाद चलते हैं कलर पे, कलर पे मिक्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे रेड को थोड़ा सा आपको यहाँ पे यू को आपको कम कर देनी है, ठीक है। थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे, थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे कम रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सैचुरेशन को, लुमियंस को, सॉरी लुमियंस को आपको यहाँ बढ़ा देनी है, ठीक है। ब्लू टोन पे क्लिक करके यू को थोड़ा सा आपको कम कर देनी है, ठीक है। थोड़ा सैचुरेशन को बढ़ा देनी है, और लुमियंस को आपको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ऑरेंज पर क्लिक करना है, और लुमियंस को आपको बढ़ा देनी है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे सैचुरेशन को आपको हल्का सा ऐसे बढ़ा के रख देनी है, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है, सैचुरेशन को आपको यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देनी है, ठीक है गाइस। थोड़ा बढ़ाने के बाद क्या करना है, वाइब्रेंस को यहाँ पे हल्का सा आपको यहाँ पे कम रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं इस पर क्लिक, और तो क्लैरिटी को बढ़ा लेते हैं, थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ाने के बाद क्या करना है आपको, वाइब्रेंस को यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम रख देनी है। उसके बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करना, शार्पनेस को बढ़ा लेनी है,
थोड़ा यहाँ पे नॉइस तो फेस स्मूथ करने के लिए थोड़ा लाइट रूम में बढ़ा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कलर नॉइस को बढ़ा लेते हैं। तो सारा यहाँ पे काम हो चुका है गाइस बहुत अच्छे तरीके से। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा फोटो जो है बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। ये जो फोटो है फोटो का मतलब आप समझिए हो गया, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस, और अच्छा लगा हो तो हमारे एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस बाय बाय एंड टेक केयर। तो गाइस इसको सेव करने के लिए क्या करना है, आपको तीन डॉट पर क्लिक करना है, तीन डॉट पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके यहाँ पर कर लेंगे सेव। ठीक है ओके गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।